हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, वैसे तो हमें समर स्लैम के मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकवा का अनडिस्प्यूटेड टाइटल का मैच देखने को मिलने वाला है, लेकिन इस मैच से ज्यादा फैंस एक्साइटेड है यहाँ पर रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। लेकिन क्या WWE यहाँ पर करने वाली एक काफी बड़ा सॉकर पुल जो कि हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो वो क्या कुछ थिंग है आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, जॉन सिन्हा ने अपने WWE अपीयरेंस से रिलेटेड क्या कुछ कर दी है बड़ी अनाउंसमेंट। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर के WWE में वापस आने से जुड़ी क्या कुछ बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो गाइस, सबसे पहले हम ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी अपडेट के बारे में ही कर लेते हैं बात। सो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर दो ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके रिटर्न का लोग काफी ज्यादा वेट करे। रोमन रेंस वापस आने वाले, ये चीज तो हम सभी को पता ही है, लेकिन ब्रॉक लेसनर पर जो एलिगेशन लगे उसके बाद फैंस को ये डाउट है कि क्या ब्रॉक लेसनर WWE में वापस आएंगे भी या नहीं। लेकिन गाइस, अब कुछ ऐसी अपडेट निकल कर आई है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से जुड़ी जिसने हम फैंस को कर दिया है काफी ज्यादा खुश। सो रिसेंटली गाइस, ट्रिपल एच हमें खुद इसके बारे में बात करते हुए दिखते जब उसे पूछा जाता है ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बारे में। उन्होंने कहा, ये चीज तुम्हें ब्रॉक लेसनर से पूछना चाहिए, ब्रॉक लेसनर खुद अपनी चीजें करता है, वो अभी कनाडा में, और मुझे लगता है वो अभी अपने किड्स को देख रहा होगा, हॉकी वगैरह खेल रहा होगा, अपनी लाइफ को कर रहा होगा एंजॉय, इसलिए जब वो डिसाइड करेगा उसे वापस आना है देन हम रेडी है बातचीत के लिए। तो गाइस, यहां पर ट्रिपल एच ने ये बात साफ कर दी है कि WWE को ब्रॉक लेसनर के रिटर्न से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं है, जब ब्रॉक लेसनर चाहेंगे देन वो हमें WWE में आते हुए दिख जाएंगे वापस। तो ट्रिपल एच कितना सही बोल रहे कितना नहीं वो तो हमें तभी पता चलेगा जब ब्रॉक लेसनर का देखने को मिलेगा WWE में रिटर्न। वैसे आपको क्या लगता है वो कौन सा प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है जहां पर ब्रॉक लेसनर आ सकते हैं वापस, वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि जॉन सिन्हा ने अपने WWE अपीयरेंस से जुड़ी क्या कुछ कर दी है बड़ी अनाउंसमेंट। सो आप सभी को पता ही है, जॉन सिन्हा ने मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट में आकर ये तो अनाउंस किया था कि वो 2025 में हमें होते हुए दिखेंगे WWE से रिटायर। लेकिन उससे पहले हमें उनका एक रिटायरमेंट टूर देखने को मिलने वाला जहां पर वो कई सारे मैचेस करने वाले हैं कम्पीट। बट गाइस, आप सबको पता ही, इससे पहले कि मनी इन द बैंक यानी कि 2023 में हुए मनी इन द बैंक में भी आकर जॉन सिन्हा ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट की थी, वो ये था कि वो कोशिश कर रहे हैं रेसलमेनिया को लंदन में लाने की। तो गाइस, फाइनली ये चीज होने वाली क्योंकि ट्रिपल एच एंड निक खान रिसेंटली लंदन जाते हुए दिखे थे एंड उनकी मीटिंग हमें देखने को मिली वहां के मेयर सादिक खान के साथ। और गाइस, अपडेट्स के अकॉर्डिंग आप सबको काफी जल्द ये बड़ी अनाउंसमेंट होते हुए दिखने वाली है। नेक्स्ट ईयर का रेसलमेनिया तो लास वेगस में होने वाला, लेकिन हां, उसके बाद की रेसलमेनिया हमें पॉसिबली लंदन में होते हुए दिखेगी। लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है, जॉन सिन्हा तो रिटायर होने वाले 2025 में ही, इसका मतलब क्या जॉन सिन्हा यहां पर नहीं होने वाले। तो गाइस, इसी चीज को एड्रेस करते हुए जॉन सिन्हा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू ये बताया कि मैं पहले भी कह चुका हूं और इस चीज पर मैं अभी भी टिका हुआ हूं कि मैं वहां पर होने वाला हूं, मैं वहां पर कंपीट भले ही नहीं करूं लेकिन वहां पर मैं एक फैन की तरह जरूर से होने वाला हूं। यानी कि गाइस, यहां पर आप सबको जॉन सिन्हा की अपीयरेंस देखने को मिलने वाली है, बिकॉज जॉन सिन्हा का हमें 2025 के बाद कोई मैच तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हां, उनका अपीयरेंस हमें WWE में लगातार देखने को मिलता रहेगा। वैसे आप 2025 में जॉन सिन्हा के रिटायरमेंट टूर में कौन कौन से मैचेस देखना चाहते हो वो जरूर से नीचे कमेंट कर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाएगी, क्या समर स्लैम में WWE करने वाली है कुछ ऐसा जो कि हम सब में से कोई भी नहीं कर रहा है एक्सपेक्ट। तो आप सभी को पता ही है, कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकवा का मैच मेन इवेंट करने वाला है समर स्लैम को। ये चीज WWE ने आज की स्मैकडाउन में कंफर्म भी कर दी और बैक स्टेज से अगेन हमें सोलो सिकवा का प्रोमो देखने को मिला जहां पर उन्होंने ये कहा कि रोमन रेंस अगर आना चाहता है मेरे अगेंस्ट देन उसका वही हाल होने वाला है जो कि हम सब ने रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स का किया है, और मैं कहां मिलने वाला हूं ये चीज तुम्हें पता ही है। यानी कि गाइस, यहां से लगभग WWE ने ये बात कर दी है कंफर्म कि समर स्लैम में रोमन रेंस आने वाले हैं वापस। और फैंस जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि जब कोडी रोड्स हमें सोलो सिकवा को हराते हुए दिख जाएंगे देन उसके बाद हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस का रिटर्न एंड वो आकर अटैक करेंगे सोलो सिकवा पर, नहीं तो जब कोडी रोड्स हरा देंगे सोलो सिकवा को और पूरी की पूरी ब्लड लाइन अटैक कर रही होगी कोडी रोड्स पर, देन कोडी रोड्स को हमें सेव करते हुए दिखेंगे रोमन रेंस। लेकिन गाइस, क्या यहां पर हमें कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है जो कि कोई भी नहीं कर रहा एक्सपेक्ट, यानी कि सोलो सिकवा हमें कोडी रोड्स को हराकर बनते हुए दिखने वाले हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, उसके बाद फिर हमें देखने को मिलेगा रोमन रेंस का रिटर्न एंड वो आकर सोलो सिकवा पर भी करेंगे अटैक एंड अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी करेंगे उन्हें चैलेंज। अब ऐसा क्यों हो सकता है वो आप सभी को पता ही है, इस वीक के स्मैकडाउन में हमें टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर वन कंटेंडर के लिए गॉन्टलेट मैच देखने को मिला था जहां पर ब्लड लाइन की जीत हो चुकी है एंड फाइनली कंफ्यूजन दूर हो चुका है क्योंकि जैको फाटू एंड टामा टोंगा ने ब्लड लाइन की तरफ से लिया था पार्ट एंड नेक्स्ट वीक का स्मैकडाउन जो कि समर स्लैम से पहले का आखिरी स्मैकडाउन होने वाला उन्हें वहां पर
DIY के अगेंस्ट अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, यानी कि गाइस चांसेस तो इसके लगभग पूरे है कि यहाँ पर ब्लड लाइन आप सबको बनते हुए दिखने वाली है चैंपियंस। बिकॉज जैको फाटो को जिस तरह से बुक करिए WWE, देख कर साफ लग रहा है कि उन्हें WWE हरवाने नहीं वाली। और अगर इन दोनों के पास आने वाली है चैंपियनशिप तो सोलो सिकवा के पास भी चैंपियनशिप आने के चांसेस डेफिनेटली से बढ़ चुके हैं। बिकॉज वो यहाँ पर अगर नहीं जीतते तो देख कर ऐसा ही लगेगा कि भाई उनके बंदों ने तो अपना काम कर लिया लेकिन खुद लीडर नहीं, सभी को कर दिया डिसअपॉइंट। वैसे भी सोलो सिकवा के ट्राइबल चीफ बनने के बाद ये उनका सबसे बड़ा मैच होने वाला है, इसलिए गाइस सोलो सिकवा के भी चैंपियन बनने के डेफिनेटली से चांसेस बढ़ चुके हैं। एंड अगर सोलो सिकवा चैंपियन बनते हैं तो उसके बाद डेफिनेटली से आप सबको रोमन रेंस ट्राइबल चीफ के पोजीशन के साथ साथ अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए भी आते हुए दिखने वाले हैं वापस। लेकिन गाइस आप सब मुझे ये कॉमेंट कर जरूर से बताना, आप क्या चाहते हो समर स्लैम से एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कौन बाहर निकले, सोलो सिकवा या फिर कोडी रोड्स। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।